15 में है टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इतना, यानी इस बार हमें सम दे रखा 35, x प्लस वाई कितना है 35 है, और हमें प्रोडक्ट मतलब जो भी है p, इसको p लिख लेते हैं, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई फाइव मैक्सिमम करना है, तो p हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई फाइव। अगेन से वही कर लो कि यहां से अगर हम y पुट कर लें कितना आएगा 35 माइनस एक्स, इसको सब्सिट्यूट कर दो। अब आप देख रहे हो, याद हो गए होंगे आपको स्टेप क्या करना है, y पुट करना है, तो p इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख दी 35 माइनस एक्स की पावर 5, तो एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 5 कर दो डिफरेंशिएट, तो dp बाई dx, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा 35 माइनस एक्स की पावर 5 का प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 डिफरेंशिएशन किसका एक्स स्क्वायर का, तो भाई 2x स्क्वायर, देखो यहां पे समथिंग की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा x की पावर n वाला फॉर्मूला, n x की पावर n माइनस 1, तो यानी 4 आ गया। फिर जब अंदर वाले पार्ट का करोगे तो 35 का 0 और x का 1 यानी माइनस का 1 आएगा, ठीक है, और ये 35 माइनस x की पावर 5 और x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है। चलो अब देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है 35 माइनस एक्स की पावर 4 ले लो कॉमन, तो 35 माइनस एक्स की पावर 4 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक तो 5 आएगा माइनस आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, x भी कॉमन मिल रहा है ना, देखो जाए तो इधर x है इधर 2x है, तो x भी ले लेंगे कॉमन, चलो एक x भी कॉमन ले लेते हैं, और तो इसका ना सिर्फ 5x बचेगा, देखो 5 बचा माइनस बचा और एक एक्स बचा, यहां पे क्या बचेगा, देखो पावर 4 तो ऑलरेडी कॉमन ले रखी है तो एक पावर बचेगी अभी और एक 2 बचेगा क्योंकि एक्स भी कॉमन ले रखा है हमने, तो ये आ गया 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स ब्रैकेट, और ये माइनस का 5x प्लस 70 माइनस का 2x, ये हमारा आ गया dp बाई dx, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर जीरो कर देंगे इसको, तो dp बाई dx इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स इंटू 70 माइनस का 7x, 70 माइनस का 7x। अब ये सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और फिर क्या करेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उससे पहले इसको जीरो करके यहां से एक्स निकाल लो, तो आपने जैसे इसको जीरो करा, ठीक है, और यहां से एक्स निकालने की कोशिश करते हैं जितने भी फैक्टर्स हैं और देखते हैं किस पे हमें चेक करना है, तो एक फैक्टर हमारा 35 माइनस एक्स है, तो एक्स यहां से 35 आ गया, तो एक्स यहां पे एक फैक्टर एक्स है तो एक्स बराबर जीरो करा तो एक तो ये आ गया, और एक 70 माइनस 7x करा तो 7x इक्वल टू 70, तो x यहां पे 10 आ गया। अब किसको हम पहले से रिजेक्ट कर सकते हैं देख लेते हैं, देखो अगर x 35 होगा तो अगर x को 35 रखोगे y 0 तो रिजेक्ट हो गया भाई, क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि y अगर 0 होगा तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि y 0 रखोगे क्या मैक्सिमम हो सकता है, नहीं हो पाएगा, 0 ही आ जाएगा, और अगर x 0 हो गया तो x 0 रखोगे तो भी ये 0 हो रहा है तो ये भी रिजेक्ट हो गया, तो यानी मेनली आपको टेन पे चेक करना है कि टेन पे आपको क्या मैक्सिमम मिल रहा है, उसके लिए क्या करना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करोगे। अब आया समझ में, मैं क्यों ब्रैकेट लगा के रखता हूं, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहां भी है यहां भी है यहां भी है यहां भी, तो जो सबसे सिंप्लीफाइड रिजल्ट है जिसका आपको पता है कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है उसी का तो करोगे, आया समझ में। अब यहां पर तीन टर्म है तो एक काम करते हैं, अगर आपको प्रोडक्ट लगाना है तो दो फंक्शन होना चाहिए, तो एक एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर लो फिर करो डिफरेंशिएशन, तो 35 माइनस एक्स की पावर 4 और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 70x माइनस 7x स्क्वायर, अब करिए यहां पे डिफरेंशिएशन, तो मैं साइड हो जा रहा हूं और आप नोट कर लें इतना, ठीक है इतना आप नोट कर लो फिर हम करते हैं आगे, हो गया नोट, चलो इसको मैं हटा देता हूं, तो यहां से अब प्रोडक्ट टूल लगा के चेक कर लेंगे, तो डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फैक्टर बाहर यानी 35 माइनस एक्स की पावर 4 बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा
सेवेंटी एक्स माइनस सेवन एक्स स्क्वायर का प्लस सेवेंटी एक्स माइनस सेवन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन किसका होगा, थर्टी फाइव माइनस एक्स की पावर फोर का। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू थर्टी फाइव माइनस एक्स की पावर फोर, डिफरेंशिएशन करना है चलो इसका करते हैं, सेवेंटी एक्स का सेवेंटी हो जाएगा और सेवन एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता तो फोर्टीन एक्स हो जाएगा ना। अब देखो यहां पे सेवन प्लस सेवेंटी एक्स माइनस सेवन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसका करोगे कैसे करोगे, पहले तो x की पावर 4 समझ लो, तो 4x की पावर 3 और फिर अंदर वाले पार्ट का आएगा तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब आप x को 10 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 10, कर देते हैं 10 पुट, तो 35 माइनस, क्योंकि हमें 10 पे चेक करना ना कि क्या आ रहा है, ठीक है, पावर 4 70 माइनस 40 इंटू 10, अब x को यहां पे 10 रखोगे तो 70 इंटू 10 700 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो ये भी देखो 700 आ गया, ठीक है, यानी इस ब्रैकेट में हमारे पास 700 माइनस 700 आ गया, 4 इंटू 35 माइनस 10 की पावर 3 इंटू माइनस 1। ऐसा हर बार हो रहा होगा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कुछ टर्म सॉल्व हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देखो अब ये जीरो हो गया तो आगे वाला पार्ट भी पूरा जीरो हो गया, इधर तो जीरो आ गया, और ये 35 माइनस 10 करेंगे तो 25 की पावर 4 आएगा, और ये 70 माइनस का 140, तो क्या ये 25 की पावर 4 इंटू माइनस 70 है, वो तो जीरो है। अब आप बताओ क्या इसको देख के कोई भी बता सकता है कि नेगेटिव आएगा, कोई जरूरत नहीं है 25 की पावर 4 करने का, यही बच्चे गलती करते हैं, करने लगते हैं सॉल्व 25 की पावर 4, इस रिजल्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता ये कितना आ रहा है, बस इतना देखना आना चाहिए कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, कोई भी देख के बता सकता है कि ये रिजल्ट नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो यानी मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा मिल गया, किस नंबर पे मिला, 10 पे मिला, तो यानी आपका जो फाइनल आंसर है एक्स बराबर 10 हो गया, और वाई क्या हो गया, वाई हमारा था 35 माइनस एक्स यानी 25 होगा, काम खत्म। आई बात समझ में, ऐसे करने हैं क्वेश्चन, तो यानी एक नंबर 10 हो गया और एक नंबर 25, यही आपका आंसर आ रहा होगा 10 और 25 15 क्वेश्चन का, बस हो गया, तो क्लियर हो रहा है ये चीज़ कैसे करने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं है, ऐसे ही आप करना है।